तो पहले हमें चाहिए मोबिल 3.5 लीटर का मोबिल फिल्टर, डीजल फिल्टर। हम इसको खोलेंगे, उसको टाइट कर लेना है अच्छे से। तो गाइज़ आज के वीडियो में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जनरेटर सर्विसिंग कैसे करते हैं, और फिलहाल आपको प्राइस डिटेल्स भी बताने वाला हूँ कि आपको लगभग कॉस्ट जो है वो कितना लग सकता है। तो यहाँ पर है हमारे पास 7.5 kW का जनरेटर, जो कि 12 HP का इंजन के साथ आता है, और 7.5 kW का अल्टरनेटर होता है, और एक जनरेटर अंदर है जो कि उसका सर्विसिंग हो चुका है। तो वो जो है उसको हम लोग शाम में किए थे, मतलब 2 दिन पहले। तो फिलहाल हम सोचे कि इसको आपको मैं दिखाऊं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है सर्विसिंग किया जाता है और कैसे कैसे हमें करना चाहिए। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर इसको चेंज करने वाला है, इसका मोबिल, और मोबिल इसमें न्यू डालेंगे जो कि यहाँ पर है हमारे पास। और इसमें क्या क्या आपको चाहिए इक्विपमेंट्स वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हमें चाहिए मोबिल जो कि 3.5 लीटर का रहेगा, 3.5 लीटर का, और कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा मोबिल। और इसका प्राइस लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं एमआरपी प्राइस, यहाँ पर प्राइस है 741 रुपये। तो मोबिल के ऊपर है, सभी मोबिल का प्राइस अलग अलग होता है। तो ये आपको मार्केट में लगभग 550 के आसपास में मिल जाएगा। और फिलहाल आप अगर कैस्ट्रोल का डालना चाहते हैं तो कैस्ट्रोल का डाल सकते हैं। फिलहाल हमारे मार्केट में ये अवेलेबल था तो इसलिए हम इस वाले मोबिल को ले आए। और हमारे पास है ये है मोबिल फिल्टर, ये आप देख सकते हैं। मोबिल फिल्टर का प्राइस के बारे में बात करेंगे तो आपको मार्केट में लगभग 60-70 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा का चीज़ नहीं है। और ये है आपका डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 लीटर, मतलब आधा लीटर वाला ये आपका डीजल फिल्टर होता है। और इसको हम लगाने वाले हैं यहाँ पास, ये देखिए यहाँ पर जो डीजल फिल्टर होता है वो यहाँ लगता है। कैसे इसको खोलेंगे, कैसे लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड मोबिल कैसे चेंज करेंगे वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा इसमें। और यहाँ से हम इसको खोलेंगे और इसमें अंदर रहेगा आपका मोबिल फिल्टर, तो उसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमें चाहिए, पहले हमें क्या करना है, इसको खोलना है, ओपन करना है। और आपको एक चीज़ और चाहिए जो कि साफ़ कपड़ा चाहिए, एक साफ़ कपड़ा चाहिए, और बाद बाकी आपको रिंच वगैरह चाहिए, और ये भी चाहिए आपको पेचकस वगैरह चाहिए। तो चलिए कितना नंबर का रिंच वगैरह लगता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम इसको खोलते हैं, तो इसको खोल लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। और हमें चाहिए एक 20 नंबर का रिंच। तो यहाँ पर है 20 नंबर का रिंच, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो नट है आप देख सकते हैं, इसको खोलेंगे। सो फ्रेंड्स हमें चाहिए 14 नंबर का रिंच, जिससे कि हम इसे खोलेंगे और यहाँ से फिर मोबिल को साफ करेंगे कपड़ा से। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो अभी यहाँ से हम निकालने वाले हैं अंदर से डीजल फिल्टर, सॉरी मोबिल फिल्टर। तो यहाँ से मोबिल फिल्टर आप देख सकते हैं, वो अंदर में दिख रहा होगा, तो उसको निकालेंगे पहले। ये रहा मोबिल फिल्टर, तो इसको भी चेंज करेंगे। तो इसको रखते हैं यहाँ पास, और अंदर में कपड़ा से जो है साफ़ कर लेंगे अच्छे से, जो कि अंदर में जो है पूरा जम जाता है मोबिल, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे कपड़ा से। तो अंदर आप देख सकते हैं, अंदर लगभग ठीक ठाक साफ हो चुका है। और अभी वहाँ पर लगाएंगे, इसमें अंदर पहले मोबिल फिल्टर लगाएंगे। तो यहाँ पर लगेगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो इसमें लगेगा, शायद आपको ना दिख पाए अंदर। तो यहाँ पर लगेगा मोबिल फिल्टर, उसको लगा लेते हैं। तो ये रहा अपना मोबिल फिल्टर। और यहाँ से इसको पहले स्क्रू जो है इसको हल्का सा ढीला कर लेंगे जिससे कि वहाँ पर आसानी से लग जाए। तो आपको एक पेचकस चाहिए लंबा और ये कुछ इस टाइप से ढीला हो जाना चाहिए और आपको कुछ ऐसे लगाना है अंदर जिससे कि आप इसको ऐसे टाइट कर पाएँ, ऐसे करके टाइट कर पाएँ। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लगा करके फिर आपको जो स्क्रू है उसको टाइट कर लेना है अच्छे से। आप देख सकते हैं वो अंदर वहाँ पर स्क्रू है तो यहाँ पर, तो इसको जो है टाइट कर लेंगे। उसको पहले अंदर आपको लगाना है, थोड़ा सा जो है ताकत लगा करके आपको घुसाना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से आराम से टाइट कर लेते हैं पहले। तो ये हो चुका है टाइट, आप देख सकते हैं अंदर में। तो कुछ इस पोजीशन में आपको लगाना है जिससे कि आप जो है अपने स्क्रू ड्राइवर से जो है इसको आप टाइट कर पाएँ। तो अब हमारा काम यह है कि अब इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं कपड़ा से जो ये साइड साइड में लगा हुआ है। बटन को जो है साफ कर लेना है अच्छे से, थोड़ा सा साफ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, वैसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको हम सीधा कुछ ऐसा लगा देंगे। और जितना भी यहाँ पर हमारा आपका जो वाशर होता है उसको लगाएंगे पहले और नट बोल्ट उसको टाइट कर लेंगे। अब इसे हम टाइट कर लेंगे 14 नंबर रिंच या पन्ना जो भी आपको आपके पास अवेलेबल है पन्ना। हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक जुगाड़ होना चाहिए जिससे कि हम डीजल को जो है इसमें कलेक्ट कर पाएँ। तो पहले हम यहाँ पर जो है 11 नंबर का रिंच से इसको खोलेंगे जो कि जितना भी डीजल होगा टंकी से वो हमारा यहाँ पर कलेक्ट हो जाए। और ये ध्यान में रखें कि इसमें ज़्यादा तेल ना हो। और वैसे आप जो है जल्दी चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और इसको जो है थोड़ा साफ कर लेंगे। देखा इसको साफ करने के बाद हम इसमें अपना डीजल फिल्टर जो है उसको लगाएंगे। और इसे हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, आप देख सकते हैं सीधा इस टाइप से होना चाहिए। आपका जितना भी तेल इसमें बचेगा उसको छन्नी से हम इसको छान करके डालेंगे टंकी में। और यहाँ है मोबिल। यहाँ देखता हूँ थोड़ा। मोबिल डालने के बाद इसको हम जो है ढक्कन को लगा लेंगे और हमारा जितना भी काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें बस ऑयल फिल करना है, मतलब डीजल डालना है। डीजल डालने के बाद यहाँ से हमें जो है एयर निकालना होगा, तभी आपका जनरेटर जो है चालू होगा। तो इससे पहले हम खोलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है डीजल आना स्टार्ट हो रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जाएगा इसमें, और इसके बाद जो है ऊपर आएगा डीजल। तो यहाँ पर जो है ऑयल अभी फ़िलहाल आ चुका है। अब आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। सो गाइज अभी हो चुका है सर्विसिंग पूरा कंप्लीट। तो मैंने अब स्टेप बाय स्टेप दिखाया, और अभी थोड़ा हाथ वगैरह सारा चीज़ गंदे हैं, तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।